अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर गार्डनिंग व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके टमाटरों को हार्वेस्ट करने लगा हूँ और माशाल्लाह टमाटर हमारे फुली रेड हुए हैं साथ, और बैक साइड पे भी काफ़ी सारे टमाटर हैं जिनको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी सर्दियों में हमने टमाटर हार्वेस्ट किए हैं, तो माशाल्लाह साइज़ भी परफेक्ट है, जैसे हम मार्केट से परचेस करके लाते हैं बिल्कुल सेम। छोटे साइज़ के भी हैं और मीडियम, तो ये साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। और देख सकते हैं फुली प्लांट के ऊपर जो है वो तैयार हो गए। हमने इसको कोई इसका प्रोसेस नहीं किया इसको रेड करने के लिए, और पौधों के ऊपर ही जो है टमाटर हमारे रेड हो जाते हैं। पिछले भी आपने वीडियो देखी है माशाल्लाह, उनमें ऐसे ही हमने निकालते रहे रेड होते हुए। तो अब आके हमारा जो ये प्लांट्स हैं ड्राई होना शुरू हो गए, तो कुछ पौधे हैं जिनके ऊपर अभी भी काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं जो ग्रीन है, बट किसी के ऊपर ख़त्म हो गए। तो जो ख़त्म हो गए हैं उनको तो हम निकाल देंगे और उसके बाद उसमें मौसम गर्मा की कोई सब्ज़ी लगाएंगे। तो तब तक के लिए जो है इनको रहने देते हैं, एक महीना इनका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, इन प्लांट्स के ऊपर अभी काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं जो कि अभी ग्रीन है, और आई थिंक एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये भी रेड हो जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त हेल्दी हैं। अच्छा, पौधे जो हैं वो ड्राई हो गए हैं, बट उसके ऊपर जो टमाटर लगे हुए हैं माशाल्लाह वो ज़बरदस्त फ्रेश हैं, तो उनका कोई इशू नहीं है। सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे और बड़े साइज़ के मिक्स टमाटर हैं, ये देखें। तो आई थिंक ये भी हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। और ये फ्रेंड्स देखें, हरी प्याज लगी हुई है और ज़बरदस्त ग्रो हुआ है माशाल्लाह ये प्याज हमारा। तो मैंने 5-7 पॉट्स में जो है ये हरी प्याज ही लगाई हुई है, देखें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी। तो हरी प्याज गार्डनिंग की शान है और अराइयों की जान है। तो ये देखें ये प्याज के अंदर कितना प्यारा जो है ये फूल लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इन वाले पॉट्स में भी लगा हुआ है माशाल्लाह, ये सारा हरा प्याज है। और ये है जी फूलों का राजा, जैसा कि आप जानते हैं बाहर का मौसम शुरू हो गया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काफ़ी लगेंगे फूल। और ये हमारा धनिया है, ये हमने तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले लगाया था, और आप देखें इतने अच्छे से माशाल्लाह ग्रो हुआ है। तो इसकी कटिंग की भी वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। और ये देखें 3 से 4 पॉट हैं जिसमें हमने धनिया लगाया, और ये विद इन फ्यू डेज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है जी फ्रेंड्स। तो ये देखें जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली है मैंने वहाँ पे हरी प्याज लगा दी। तो ये पाम का ट्री है हमारा, तो ये जो ऊपर से डंडियाँ ना इसकी ये मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि ये पकना शुरू हो जाता है, इसके बाद बीज इसमें निकलता है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। और ये देखें माशाल्लाह ये फाकस के अंदर भी हमने लगा दिए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सब जगह पर जहाँ पर हमें जगह मिली है ना हमने वहाँ पर हरी प्याज लगाई है। और ये देखें, और ये है मिंट, अल्हम्दुलिल्लाह मिंट हमारा बहुत ज़बरदस्त है। और ओरिजिनल ये देसी मिंट है हमारा, देखें छोटे पत्ते वाला है ना। तो ये 2 पॉट में लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 3 में, और ये भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसकी प्रोग्रेस है। ये देखें फ्रेंड्स, सर्दियों में जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और अभी ये माशाल्लाह दोबारा से नए पत्ते निकाल रहे हैं। और देखें आप, तो फ्रेंड्स ये बैक साइड पे जो हमने मैंने ड्रम कट करके क्यारी बनाई हुई थी उसमें भी हमने हरी प्याज लगाई हुई है, उसके अंदर धनिया भी लगा हुआ है, और 2-4 टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक गई थी बिल्कुल, तो अब जब मौसम में बहार शुरू हो चुका है तो माशाल्लाह ये दोबारा से अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, और इसका कलर भी चेंज हो गया। आप देखें बिल्कुल ग्रीन हो गए हैं ये। और इस वाले हमने क्यारी में ये प्याज धनिया और टमाटर लगे हुए,
तो जब टमाटर और बड़े होंगे तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे। और इस वाले क्यारी में आप देखें, हमने धनिया लगाया था। ये धनिया हमने सर्दियों में लगाया था, बट ये इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। और ये वाले ड्रम में पालक, तो माशाल्लाह ये भी ठीक है। जैसे कटिंग करते हैं विद इन 2 वीक्स जो है दोबारा से शुरू हो जाती है ये इसकी ग्रोथ। और ये गुलाबों की कटिंग हमने लगाई है, तो ये माशाल्लाह चलना शुरू हो गए हैं। थोड़े दिन बाद इनको भी हम नए पॉट्स में जो है शिफ्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये चल पड़ेंगे दोबारा से। जी तो फ्रेंड्स, टमाटर हमने कट कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखें ज़बरदस्त हेल्दी हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।